बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं, ये एक नंबर प्रैक्टिस एक्टिविटी है, नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। और इससे पहले जो है ना, वो बच्चे को नंबर्स की रिकग्निशन होनी चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि नंबर्स कैसे देखने में लगते हैं और 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। बच्चों, ये इंट्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। जब शुरू में बच्चे को नंबर सिखाए जाते हैं तो उसके लिए मेरी वीडियो देखें, सैंड पेपर नंबर्स, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो काफ़ी अरसे से आई थॉट कि मैंने नंबर इंट्रोडक्शन के बाद कोई और वीडियो नहीं बनाई, सो दिस इज़ जस्ट नाउ अ प्रैक्टिस एक्टिविटी, जो कि आप बच्चे को इस तरह नंबर किसी पेपर स्ट्रिप पर लिख दें और आपको उसके साथ चाहिए इस तरह की, ये पॉप्सिकल स्टिक्स हैं जो कि 55 हैं। अगर ये ना हो तो आप बेशक तिनके तोड़ लें, कुछ ले लें जिससे बच्चा प्रैक्टिस करता है। और बच्चा ये खुद करेगा, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि अगर बच्चे ने कहीं गलती की है तो यू नो के वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि बच्चे को फलां नंबर अभी नहीं आता। लेट्स से कि अगर नंबर 5 पे बच्चा 4 स्टिक्स रख देता है या 6 रख देता है या 3 पे कोई 2 रख देता है, तो उससे आपकी बेसिकली असेसमेंट भी आप बच्चे की कर सकते हैं कि बच्चे को ये नंबर नहीं आता, फिर आप उसको और प्रैक्टिस कराएंगे। और अगर बच्चा कंप्लीट कर लेता है पूरी एक्टिविटीज़ को फ्रॉम नंबर 0 to 10, तो इसका मतलब है कि आप बच्चे को ये सारे नंबर्स और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंट उनका, कि 1 का क्या मतलब है और 2 का क्या है, तो वो आगे, एंड देन यू कैन मूव टू जो टीन नंबर्स होते हैं, यानी कि 11-12 से लेके 20 तक। सो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 0 मीन्स नथिंग। बच्चा आप ये रख दें एक सेट करके, बेशक टेबल पे, फ्लोर पे, कोई भी मतलब एक वर्क एरिया बना के बच्चे को दें, तो बच्चा नोज के अब 0 का मतलब मीन्स नथिंग, तो 0 के नीचे वो ये नहीं रखेगा। बस इस तरह बच्चा 1 के नीचे 1, 2 के साथ 2, सॉरी 3, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4। अब 5, 5। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को बदलना चाहें थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस भी कम है, तो आप ये भी कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 लाइंस के बाद जो फिफ्थ है वो यूं रख दो उसके ऊपर। इस तरह टैली करना भी बच्चे यहीं से सीख जाएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4। अब मैं इसके ऊपर यूं रखती हूँ 5, 6 एंड 7, क्योंकि आगे स्पेस कम है 8 के लिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। मैंने एक हाथ से फ़ोन का कैमरा पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से मेरा ग्रिप जो है ना वो पूरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और ये मेरा कंटेनर जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया। अब यहाँ से आप जब बच्चा ये एक्टिविटी कर लेगा तो आप इसको चेक करें, ये मॉन्टेसरी एक्टिविटी है नंबर प्रैक्टिस की,
इसके लिए मॉन्टेसोरी का तो मटेरियल होता है बना हुआ, उनके बकायदा वुडन बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर बच्चे ये चीज़ें करते हैं, और फिर वापस स्टिक्स, जब बच्चा ये काम फिनिश कर ले तो वो स्टिक्स जो हैं उनको उठा के वापस रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, अगर लगी है अपने अपने बच्चे के साथ की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में करके बताएं। ये एक तरह का खेल भी है, छोटे बच्चे घर में जो भी स्कूल नहीं जाते लेकिन जस्ट बी बिजी एंड प्ले विद दीज थिंग्स। और फिर इंशाल्लाह कोई अगली नंबर की वीडियोस में फिर हम तीन नंबर्स पे जाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।